यस देखा, मैंने कहा था ना मुझे इस गेम में कोई बीट नहीं कर सकता, तुम आ जाते हो रोज हारने के लिए। तुम ना यही गेम जीत सकते हो, बाकी काम तो तुम्हारे बाबा करवा देते हैं। यार मेरे बाबा तुम लोग अभी हर काम अपने एक फोन पे करवा देते हैं। ये तूने बिल्कुल ठीक कहा सुबह, याद है तुझे उस दिन हम लोग कैफे में बैठे थे, तूने कैसे वेटर को चमाट मार दिया था। तो मिनट में अंकल ने कॉल करके ना तुझे पुलिस स्टेशन जाने से बचा लिया था। तुम क्यों बार बार वो किस्सा निकाल लेते हो? हाँ और सुन जैब, आइंदा मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। अरे मेरी बुलबुल बैठ तो सही, एक तो तू बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। यार मेरे बाबा तुम लोग को अपना बेटा समझते हैं, और मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ जो मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो मेरा हर काम एक सेकंड में कर देती है। एनीवेज मुझे ये बताओ खाओगे क्या आप? पिज्जा बर्गर? पिज्जा, चीज पिज्जा, मेरा चीट डे है यार। बाबा मैं तैयार हूँ, आप ना मुझे रास्ते से क्राफ्ट पेपर्स दिलवा दीजिएगा, आज ड्राफ्टिंग की क्लास है। बेटा आज मुझे एजाज मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे जरा जल्दी जाना है। तुम ऐसा करो ना अपनी अम्मी के साथ चले जाओ आज। बहुत बड़ा एजाज मिल रहा है अपने सबसे ईमानदार पुलिस वाले को, 8-10 हजार लिफाफे में डालकर थमा देंगे और बस। शबीर तुम्हारी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, पूरा दिन धूप में खड़े होकर इस शहर की ट्रैफिक और लोगों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। मेहनत तो हर काम में दरकार होती है, और फिर आजाज जितना भी हो मेरे लिए वो बहुत बड़ा है। अम्मी बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे बाबा ना एक ऑनेस्ट ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। बच्चे तो अपने माँ बाप की झूठी तारीफ करके लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लेकिन मेरे बाबा सचमुच में हमारे लिए प्राउड साबित हुआ है। I'm so proud of you. I love you. जीती रहो, जीती रहो। ए बाबा की चमची, जल्दी कर लो, देर हो रही है। और हाँ, तुमने शाम में जल्दी आ जाना प्लीज, अम्मी के घर मिला दे, वहां जाना। मैं कोशिश करूंगा, वादा नहीं कर सकता। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले अम्मी, चादर लेकर आ रही हूँ। ये काले रंग की स्पोर्ट्स गाड़ी आ रही है, इसको फौरन रोको। अरे क्या मतलब है तुम्हारा, पता नहीं बिगड़े हुए माँ बाप के बच्चे, रोको इनको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। जोहेब कहाँ जा रहे हो नजरें चुराकर? अस्सलाम वालेकुम बाबा, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? याद है तुमने मुझसे कहा था इस दफा मुझे किसी से तुम्हारे लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? जी बाबा मैंने बोला था, मगर सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा इस बार, मैंने कहा ये बात आपको क्लियर कर दूं, मगर मुझे पता है मेरे बाबा के लिए कोई बात मुश्किल नहीं है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरे दोस्त मिनिस्टर हैं, मैं नहीं। और ये क्या तुम मेरा नाम लेके हर जगह भरमबाजी करते फिरते हो? अगर मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं नाजायज मुतालबात करूं उनसे, समझ क्या रखा है तुमने मुझे? पापा आपके दोस्त भी तो आपकी वजह से हमारा ख्याल रखते हैं ना। तो अगर वो ख्याल रखते हैं तो मैं उनसे नाजायज मुतालबात करूं? पापा मैं आपकी अखलौती औलाद हूं, आप इतना नहीं कर सकते मेरे लिए? हरगिज नहीं, जाओ जाकर पढ़ाई करो, इतना पैसा तुम पर बर्बाद किया जा रहा है लेकिन मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। गो।
ये 10,000 रुपए है, 5,000 तुम रख लो और 5,000 इससे दे दो। अपनी मर्जी की ना, जो भी दिल चाहे वो चीज खरीद लेना। इसे क्या जरूरत है, सारे पैसे मैं ही रखूंगी, कुछ चाहिए होगा तो मुझसे ले लिया करेगी। रेहाना, मेरी बेटी ने कभी मुझसे कुछ मांगा है? ये तो मैं इसे अपनी खुशी से दे रहा हूँ। तुम दोगे ही क्या जो वो मांगे तुमसे? तुमसे बाद में और छोटे आने वाले तमाम कांस्टेबल अपने घरों में बैठे हैं और तुम दो दो फूल लगाकर ये सिर्फ 10,000 की खुशी मनाई चले जा रहे। अम्मी बाबा मुझे सब कुछ दे सकते हैं और मुझे उन पे पूरा यकीन है। आप रख लें ये पैसे, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। ए बात सुन रेहाना, खामखा में वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगी। मिडिल क्लास लोगों के बच्चे ऐसा कुछ नहीं सोचते, और वैसे भी ट्रैफिक पुलिस वाले को तो हर कोई रिश्वत खोरी समझता है। अब तुम जितने मर्जी ईमानदार बनते फिरो, अब मैं हर एक को तो जाके नहीं बता सकती ना कि तुम कितने खुददार और अपने ओहदे से वफादार हो। अरे क्या करना है ऐसी वफादारी को, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते फिरो। पर सही इस छोटी का नखरा देख लो जरा, इससे तो पूछ के आती हूं मैं। जरा यार, स्पीड तो उसकी कमाल की है यार, लेटेस्ट मॉडल की तो बात है। स्पीड तो मेरे बाबा को भी बहुत पसंद है, माशाल्लाह सुन के ना नोट बनाने में भी स्पीड बहुत तेज है। भाई मानना पड़ेगा तुम्हारे बाबू, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ है यार। आई एम जेलस। जोएब देख के, जोएब क्या कर रहा है यार, इतनी जल्दी नहीं मरना भाई मुझे। अच्छा सॉरी यार। यार जोएब सुन यार, उस कैफे पर ले चल जो तेरे बाबा के दोस्त का है, मुझे स्टेक खाना है प्लीज। हाँ चल यार, भूख तो लग रही है, बिल भी नहीं देना पड़ेगा हमें। ओके ओके। रोको 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 इसको। सर आपका नंबर प्लेट फैंसी है, आप कागज दिखाओ गाड़ी। ओ जाओ जा, काम कर अपना, चलो चल निकल। क्या हुआ सर, ये बड़े बदतमीजी से बात कर रहा है। क्यों पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे यार। मैं देख सर। अरे छोड़ना यार, क्या मुंह लग रहा है। क्या बात है, क्यों रोका है मुझे? आपको इसलिए रोका है कि आपकी फैंसी नंबर प्लेट है और ये कानूनन जुर्म है, इसलिए आपका चलान होगा। ओके, आपको पता है मेरा बाप कौन है? बेटा आप जिसके भी बेटे हैं, आपने कानून तोड़ा है, आपका चलान होगा, बात खत्म। फिरोज अली खान नाम है मेरे बाप का, मिनिस्टर मेरे अंकल है। बेटा यहाँ बहुत से मिनिस्टरों के बच्चे यहाँ पे घूमते फिरते हैं, लेकिन जो गलती करता है उसका चलान होता है, उसको सजा मिलती है। आप चलान कटवाएं अपना, कॉपी दें। चल यार 500 दे, इसको कटा यार, लंबी कर रहा है। मेरे पे खुल ले, सब्र कर। ये रुक, ये लो, दिन में जितना कमाते हो ना, 100-200 उससे कहीं ज्यादा एक ही दफा में रखो। शर्म नहीं आती तुम्हें, रिश्वत देते हो मुझे, इस बात पे मैं तुम्हारा डबल चलान कर सकता हूँ, समझे तुम? चाचा देखो ज्यादा लंबी ना करो, सही है, तुम्हारा जो काम है ना वो ऐसे ही चलता है। अरे क्या बातें कर रहे हो बेटा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बेशर्म की बात करता है, समझ नहीं आ रही, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? मैं क्या रोने वाला मेरा मिनिस्टर आ रहा है, हट सब, मैं बोल रहा हूं, ए पीछे हो, हट पीछे हो। अरे क्या बदतमीजी है, अरे रुको चलान कटवाओ तुम अपना। क्या तो चाचा साफ किया तो चलने दो, ये क्या बदतमीजी है, अरे रुको चल चल चल, आगे खाली गाड़ी आ रही है, उसको आगे रोको, निकालो निकालो गाड़ी। चलो बेटा। बाबा आपने कुछ किया उस ट्रैफिक वाले का? उसका नाम क्या है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जज्बाती बदमन हो बेटा, वो अपनी ड्यूटी पे था, और तुम्हें क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? बाबा उसने मुझे हर्ट किया,
मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की है। पहली बात तो ये कि उसने तुम्हें हर्ट नहीं किया, तुम्हारी ईगो को हर्ट किया, और तुमने उसके साथ बदतमीजी की, हाथापाई की। तुम्हें पता है ये पुलिस केस है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता था। वो तो उसकी शराफत है जो उसने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया, और अब तुम ये चाहते हो कि मैं उसे सस्पेंड करा दूं। हाँ तो निकलवा दे, आप एक दफा मिनिस्टर साहब से बात तो करके देखें। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा जोए, मिनिस्टर साहब मेरे दोस्त जरूर हैं, लेकिन ये गलत बात है, वो ऐसा नहीं कर सकते। पुलिस का मामला इतना सीधा भी नहीं होता। बाबा अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया ना, तो मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे कि तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। अब तुम्हारी बात तुम्हारे दोस्तों में खराब ना हो, इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब से गलत काम के लिए कहूँ। बाबा आपको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मैं जान ले लूंगा, उसकी या अपनी। जोहर अस्सलाम वालेकुम मिनिस्टर साहब। नहीं सर, आपसे एक छोटा सा काम था। रेहाना जल्दी करो ना, मेरी आज नई जगह पे ड्यूटी है, मुझे जरा जल्दी जाना है। अच्छा अच्छा कर रही हूँ ना। कि किसका फोन है? ऑफिस से कॉल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर जी, आप क्या कह रहे हैं सर? नहीं 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 सर, ऐसी कोई बात नहीं हुई सर। सर वो बच्चे थे सर, मैं तो सिर्फ उनको समझा रहा था सर। बदतमीजी तो उन्होंने की है सर, सर उन्होंने मारा भी है सर। सर मेरी बात तो सुने ना सर। हेलो, अच्छा ठीक 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 है सर, मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? क्या कह रहे थे आपके बॉस? सस्पेंड कर दिया उन्होंने मुझे। क्या, मगर क्यों, किस बात पर यूं अचानक? देख लिया, मिल गया शराफत का सिला। पता था मुझे, पता था कि एक ना एक दिन यही सब कुछ होगा। कल कुछ बच्चे थे, उन्होंने बदतमीजी की थी, मैंने सिर्फ उन्हें समझाया है। ये काम वो नहीं करवा सकते। मुझे लगता है कि ये जरूर कोई और मसला है। क्यों नहीं कर सकते? यकीनन उन्हीं का काम है। ये पैसे वालों के लिए ना कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता, ये ईमानदार की आवाज और गर्दन दबाकर ही दम लेते हैं। लेकिन शब्बीर, तुम्हारी नौकरी बहुत जरूरी है, वरना हमारे घर का क्या बनेगा? अच्छा ना, तुम दिल छोटा नहीं करो, सस्पेंड ही हुआ हूं ना, कोई निकाल तो नहीं दिया ना उन्होंने मुझे। मैं जाके इदारे के साथ बात करता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। क्या हुआ गाइस, शुरू करो, किस बात से शर्मा रहे हो? यार वैसे जोहर, तुम्हारे साथ रहने के बड़े फायदे हैं, जब हंसे अंकल ने बचा लिया और जब ऐश करनी भी तुम्हारे पास आ गए। अरे ऐसे तो मेरे बाबा को लोग सेवियर नहीं कहते ना, देखा नहीं कैसे वो ट्रैफिक ऑफिसर वाले की छुट्टी करा दी। फालतू का ईमानदार बन रहा था, पांच वाले के साइड हो जाता, गया ना अब नौकरी से भी। यार वैसे कसम से, अगर मैं अपने अब्बा से कोई ऐसी फरमाइश करता ना, तो वो मुझे धो देते, और उनको भी ईमानदार बनने का बहुत शौक है। वैसे इस मामले में ना मैं बहुत लकी हूँ, मेरे बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। ये गाड़ी भी मैंने इसलिए ली थी उनसे कि कोई रोकेगा नहीं इसको, लेकिन इस बेचारे की किस्मत खराब थी। पर लग गया उसको बैड लक। क्या लोगे? बाबा आज आप जल्दी आ गए। देख रहे हो ये? तुम्हारे कारनामे की वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे घूम रही है, जिसमें तुम मेरा और मिनिस्टर साहब का नाम इस्तेमाल करके पुलिस वाले को धमकियां दे रहे हो, हाथापाई कर रहे हो उनसे।
रिकॉर्ड हुई? सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हुई है ये वीडियो, ये पुलिस वाले ने सबूत के तौर पे पेश किए और उसकी बेटी के अकाउंट से अपलोड हुई है। नाम किसका खराब हो रहा है, मेरा और मिनिस्टर साहब का? बस यही दिन देखने के लिए रह गया था मैं, तुम्हारे कहने पर उस पुलिस वाले को सस्पेंड कराया था मैंने, देख लिया उसका नतीजा। आखिर कब तक तुम मेरा और मेरे दोस्तों का नाम इस्तेमाल करके अपनी झूठी शोचा बढ़ाते रहोगे? अरे छोड़ दो ये दिखावा, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। बता दो अपने दोस्तों को नहीं है मेरे ताल्लुकात। बात पर भर्तिका, मुझे माफ कर दे, मैंने सारी जिंदगी तेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारी, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। पाक परवरदिगार मेरे अल्लाह, मेरी इज्जत रख ले, ऐ मेरे मालिक मेरी इज्जत रख ले, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे मालिक, मुझे माफ कर दे। बाबा ये देखें कितने लोग आपकी सपोर्ट में सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी, मामला बातचीत से भी तो हल हो सकता था ना। बाबा आवाज उठाए बगैर यहाँ कुछ नहीं होता, जो लड़कों ने आपके साथ किया है ना उनको उनकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इन बिगड़े हुए लड़कों को सुधारने का यही सही तरीका है। और वैसे भी आपके डिपार्टमेंट के लोग भी तो यही कह रहे हैं ना कि आपने ठीक किया सच दिखाकर। तेरा शुक्र है पाक परवरदिगार, तूने मेरी इज्जत रख, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह ने मेरी इज्जत रख, या अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा शुक्र है मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र। इज्जत मजबूर को कुर्बान तो ना कीजिए। हाँ समीर रिजल्ट देखा? नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मैं पापा को क्या जवाब दूंगा, वो गुस्सा करेंगे, चौन से मार देंगे यार। मैं काम करता हूँ, मैं मिनिस्टर अंकल को फोन करता हूँ, है ना? क्या हुआ बेटा, बात हुई जोएब से? नहीं अंकल, मैं कब से ट्राई करूंगा, मेरी कॉल ही नहीं उठा रहा। क्या करूं मैं इस लड़के का, नाक में दम करके रख दिया है, कब से गाड़ी लेकर गया है कोई अता पता नहीं है। तुम दोनों ऐसा करो, चलो मेरे साथ वहां लेके चलो मुझे जहां तुम लोग जाते हो। अंकल जोएब की कॉल है। हेलो आप कौन? जी जी मैं जोएब का फादर बोल रहा हूं। क्या? जी जी मैं आता हूं अभी, जोएब का एक्सीडेंट हो गया है, शदीद जख्मी है और अस्पताल में। कर लिया इस लड़के ने दिखावे के चक्कर में अपने साथ। अच्छा आप परेशान ना हो अंकल, चलते हैं। रेहाना अच्छा अभी मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा वो फिरोज साहब का शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से ये नौकरी बहाल हुई? मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया है जिसने उनके दिल में ये ख्याल डाला और ये सब कुछ हुआ। एक बात याद रखना रेहाना, ईमानदारी का फल कभी ना कभी इंसान को जरूर मिलता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बाबा। आपको पता है फिरोज साहब के बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी दोनों टांगे जाया हो गई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। ओहो बेटा तुम्हें कैसे पता चला? वो बाबा सोशल मीडिया से। जिन माँ बाप से बच्चों की तरबियत में कमी रह जाती है ना
अक्सर उनमें से बच्चों का यही हाल होता है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह उन्हें सब्र अता करे। आमीन।